हाय फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है चिकन रोल। चिकन रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमको थोड़ा सा मैदा ले और उसे फेंट ले। 2 कप मैदा है ये, उसे फेंटने के बाद उसे सानना है और सानने के बाद इसे नमक मिला लें उसमें और थोड़ा सा ऑयल मिला लें। और ये हमारा मैदा है जैसा कि हमने बनाया इसको, ये देखें। और ये हमारा चिकन है 200 ग्राम, हमने इसे वॉश किया है। और वॉश करने के बाद ये हमारा लहसुन का पेस्ट है, हमने थोड़ा सा ऐड किया। उसके बाद ये हमारा काली मिर्च है, उसका पाउडर है ये। और ये हमारी लाल भुक्की मिर्ची है, उसे भी ऐड करें। एक चम्मच गरम मसाला मिलाएं और थोड़ा सा नमक ऐड करें और 1 चम्मच ऑयल मिलाना है। उसके बाद इस तरीके से इसे सान लें, इसे सान लें, सालने के मिक्स कर लें इसे। और उसके बाद हमने इसे 15 मिनट के लिए रखना है, अच्छे से साने। और ये हमारा मैदा है और अब हम इसे पराठा बनाएंगे। मैदा हमारा है, 3 भाग में निकाल लें। ये हमारा मैदा है और इसे पराठा बनाना है हमें। और हमारी आज की रेसिपी है चिकन रोल। वीडियो शेयर करना ना भूलें। मैदा लगा लें, और इसे हमें पराठा बनाना है। और ये हमारा पराठा है, इसे पराठा बना लें ताकि हमारा जो चिकन रोल है काफ़ी शानदार बने, मज़ेदार हो। और ये हमारा बड़ा पराठा है, उसके बाद हल्का सा ऑयल डालें। ऑयल डालने के बाद इसमें डिज़ाइन बनाना है हमें ताकि हमारा जो चिकन रोल है काफ़ी शानदार बने। ये द इंडियन फूड से ही हमारे बेस्ट फूड है। राउंड करें इसे और इसे पराठे की शक्ल में लाना है हमें ताकि हमारा जो चिकन रोल है काफ़ी शानदार बने। द बेस्ट इंडियन फूड्स द राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस इज ए ट्विस्ट फॉर द इंडियन पराठा एंड राउंड फर्स्ट। टुडे इज माय रेसिपी चिकन रोल। राउंड करें इसे, अरे इंडियन फूड से हमारे। अरे हमारा पराठा इस तरीके से बेल लें ताकि हमारा चिकन रोल जो है काफ़ी शानदार बने। थोड़ा सा ऑयल डालें और डालने के बाद हमारा जो चिकन है जैसे हमने पहले मसाला लगा के रेडी किया था उसे उसमें फ्राई करना है। और ये हमारा चिकन है, इसे फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद इसमें हमें चिकन रोल में डालना है। 10 मिनट इसे चला लें, चलाते रहें। और इसे 10 मिनट तक हमें पकाना है, बंद कर दें इसे। और हमारी आज की रेसिपी है चिकन रोल, द बेस्ट इंडियन फूड्स रेसिपी। और ये हमारा चिकन है जो बन के रेडी हो चुका है। और 2 से 3 मिनट इसे और पका ले। और ये हमारा चिकन रोल का चिकन है जो बन के रेडी हो चुका है। और इसे निकाल लें, थोड़ा सा ऑयल डालें। और ऑयल डालने के बाद जो हमारा पराठा है जैसे हमने बेला था उसे, और ये हमारा पराठा है, पराठा बना लें।
और हमारी आज की रेसिपी है चिकन रोल। और इसे पलट ले और ये हमारा पराठा है जो बन के रेडी हो चुका है, हमें उसे पलटना है। अब पलटने के बाद उसे अच्छे से पका ले। ये देखे काफी शानदार है, मजेदार है। और ये हमारा चिकन रोल है, द बेस्ट इंडियन फूड्स रेसिपी। और आज हमने जैसे आपको बना के दिखाया, वीडियो को शेयर करें ताकि हम इसी तरह आपको नई वीडियो बना के दिखाते रहें। और ये हमारा चिकन रोल है और ये हमारा पराठा है जो बन के रेडी हो चुका है। और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा चिकन डालना है जैसे हमने पकाया था। और उसके बाद ये हमारा प्याज है, प्याज इसमें डालें। और उसके बाद हमने थोड़ा सा शिमला मिर्च डालनी है। और हमारी आज की रेसिपी थी चिकन रोल, शिमला मिर्च डालें और थोड़ा सा नींबू डालें इसमें ताकि टेस्ट आए खाने में। और उसके बाद ये हमारा टमाटो सॉस है, थोड़ा सा डालें इसमें। आप अगर चाहो तो इसमें मेयोनीज भी डाल सकते हो, मेयोनीज चीज़। इसे फोल्ड कर ले। और ये हमारा चिकन रोल है जो बन के तैयार हो चुका है। और ये हमारा टूथपीस है, इसे लॉक करें। और ये हमारा चिकन रोल है और उसके बाद ये हमारा पेपर है। और ये हमारा चिकन रोल है जो बन के रेडी हो चुका है। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो शेयर करें। और ये हमारा चिकन रोल है जो बन के रेडी हो चुका है। थैंक यू।